से बने हुए चैट बॉट्स आ रहे हैं, आपके बात के नहीं आ रहे होंगे। आपके पास सिर्फ लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला जी सही, ये आ रहा होगा। सही है। अच्छा, तो मैंने सिर्फ इसका नाम लिखा है, बाकी चीजों को मैंने डिफॉल्ट पे छोड़ा है और ये अभी वर्किंग करके कुछ कह रहा है। अच्छा, इसमें हम जल्दी से बना लेते हैं एक पिज्जा ऑर्डरिंग चैट बॉट। सही है कि जी एक शॉप होगी पिज्जा की, उसमें बंदा उससे बात करेगा आके टेक्स्ट में और पिज्जा ऑर्डर करेगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इंटेंशन, यहां पे आप देखें बना हुआ डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। इसमें मैं गया कि जी बात शुरू कैसे होगी, क्या बोलेगा बंदा आगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना ये पहले से देखें बना के दिया हुआ कि जी हाय वगैरह बंदा बोलेगा ना तो बात शुरू होगी। अच्छा, हाय वगैरह बंदे ने बोल दिया और बात शुरू हुई, तो अब मैं उससे क्या करूंगा, यहाँ पे आके ना उसको कुछ ना कुछ जवाब दूंगा मैं। अच्छा, जवाब के एक दो तीन चार वेरिएशन है, ये बदल बदल के इसमें से देगा ताकि थोड़ा ह्यूमन लाइक लगे। अच्छा, स्टिल ये जो फ्रेमवर्क है इसको चैट जीपीटी खत्म कर देगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इस पर बना रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। चैट जीपीटी का सेटअप वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें ऐसी यूआई नहीं बनी है ना अभी, वो पूरा काम एपीआई पे होता है। तो हमें एक फ्रंट एंड लिखना पड़ेगा, एक सर्वर बनाना पड़ेगा और फिर उसकी काम कहानी शुरू होगी। ठीक है, मेरा इरादा तो था हम वही करें लेकिन अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे रिस्पॉन्स मैं क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक बात लिख देता हूँ कि जी क्योंकि मेरे एक हाथ में माइक है ना तो मैं टाइप नहीं कर सकता, तो मैं बोल के कहानी चला। अच्छा, हाँ ये है ना, हाँ ये अच्छा होगा यार, मैंने तो देखा ही नहीं स्टैंड पड़ा मैं। अच्छा, लेकिन स्टिल मैं टाइप नहीं करूंगा। अच्छा, वेलकम टू पिज्जा शॉप, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। ये मैंने इसको पकड़ के ना यहाँ पे लाके, अब पिज्जा शॉप का कोई भी नाम हो सकता है। और अच्छा, मैं अब इसमें एक और लगाता हूँ कि यार इसको चेंज कर लेते हैं। सही है, और इसी को किसी दूसरे अंदाज में बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे, वी हैव पिज्जा एंड पास्ता। यार ये इधर क्यों गुड, अच्छा पकड़ा गया था यार, पता नहीं कोई यूआई में बग है, पूरा शो नहीं होगा, क्लिक किया तो पूरा शो हो गया। सर अगर आफ्टरनून हो रहा हो तो वो भी हो सकता है हैंडल, प्रोग्रामिंग के जरिए हम हैंडल कर सकते हैं। सही है, लेकिन चलो फिलहाल मैं गुड मॉर्निंग हटा दूं। सेफ। अच्छा, अब क्या होगा कि जब यहाँ पे आके ना मैं इसको देखें, इसमें नोट करें क्या किया है, ट्रेनिंग फ्रेजेस। अच्छा, ये ट्रेनिंग फ्रेजेस ये वो वाला ट्रेनिंग डेटा नहीं है कि 50,000 मुझे सेंटेंसेस नहीं देने पड़ेंगे इसमें, इसमें चार पांच सेंटेंस भी गुड इनफ है, बाकी ये खुद समझ लेता है क्योंकि इसके पीछे क्या लगी हुई है, वही डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है। चैट जीपीटी जो इटसेल्फ है वो उसके पीछे भी क्या लगा हुआ है, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क मैंने ट्रेन नहीं किया है, ये गूगल वालों ने, क्योंकि डायलॉग फ्लो गूगल ओन करता है। पहले किसी बच्चों ने बनाया था यूनिवर्सिटी के, फिर गूगल ने खरीद लिया था इसको, इसका उस जमाने में नाम होता था API.AI 2016 में, बाद में उसको इन्होंने खरीद के इसका नाम चेंज करके कर दिया और उसको कंटिन्यूअसली अब इंप्रूव भी कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने ये सेव कर दिया ना, अब मैं जाके यहाँ पे देखो साइट पे टेस्टिंग का ये बना हुआ है, यहाँ पे जाके मैं बोलूंगा हाय और एंटर करूंगा तो ये मुझे जवाब देगा। ठीक है जी, कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, वी हैव पिज्जा एंड पास्ता। ये वाली बात, अब देखो ये बातचीत शुरू हो गई है, ये पहला इंटेंशन हमने बना दिया। अब हम बनाते हैं एक और इंटेंशन, यहाँ पे गया मैं इंटेंट पे और प्लस का बटन दबाया, अब मैं ऑर्डर पिज्जा का एक इंटेंट बनाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रेनिंग फ्रेजेस में क्या डालूंगा कि बंदा है जब ऑर्डर करने लगेगा तो बंदा क्या क्या बोलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑर्डर पिज्जा। ठीक है, या वो बोलेगा कि जी आई एम हंग्री। ठीक है, और गिव मी पिज्जा।
एट समथिंग, तीन अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है, ठीक है, तीन मैंने इसको ट्रेनिंग फ्रेजेस दे दिए, ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको और भी दे सकता हूँ दो चार। ये वैसे रेकमेंड करते हैं कि जी पाँच हो तो बेहतर है, मिनिमम जो है ना पाँच हो, पाँच से आठ ट्रेनिंग फ्रेजेस हो, ज़्यादा भी ना हो, ये दस से ज़्यादा भी ना हो, ठीक है जी। वैसे मैंने सामने तो नहीं लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने, लेकिन सब लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वही रेकमेंड करते हैं कि पाँच से लेके दस के कहीं दरमियान हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। अच्छा, और अब जब ये बोले ना ऑर्डर पिज्जा, तो यहां से मैं इसको जवाब दूं कि यार हेयर इज योर पिज्जा, ये जवाब दूंगा, ठीक है, कि पता चल जाए कि हाँ यार बंदा क्या बोल रहा है। अच्छा, यहां पे मैं आया, मैंने कहा कि जी ऑर्डर पिज्जा, एंटर, जी क्या वो तो कहां पे कर रहा है ट्रेनिंग है? ये जब ट्रेनिंग करता है ना गोल गोल घूम रहा होता है, जब मैं इसको सेव करता हूँ ना तो ये ट्रेनिंग करता है पहले, उसके बाद ये फिर अवेलेबल होता है टेस्टिंग, लेकिन ये घूम नहीं रहा, क्या चक्कर है? अच्छा, कभी अगर ये खुद से ट्रेनिंग ना करे ना तो मैं इसको अंदर जाके भी करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा एमएल सेटिंग में और यहाँ पे मैं ट्रेन का बटन दबा दूंगा, तो ये देखिए ये घूमना शुरू हो गया। कभी कभी क्या होता है खुद से नहीं करता, अटक जाता है। अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीटेड, ये नीचे लिखा हुआ है। अब मैं इसको कहता हूँ कि जी ऑर्डर पिज्जा, एंटर। इसको अभी भी समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? नहीं, वैसे तो मैंने ऑर्डर पिज्जा एग्जैक्टली लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती करवा रहे हैं। अच्छा, तो या आई वुड लाइक टू हैव पिज्जा, सही। अब ये बात एग्जैक्टली लिखी नहीं है, लेकिन इनका क्लेम ये है कि आप जब दो तीन मुझे ट्रेनिंग फ्रेजेस दे देते हैं ना, तो उस दो तीन से बाकी बंदा क्या बोलेगा वो भी हम पता लगा लेते हैं, तो ये भी इसको समझना चाहिए असूलन। तो चलो एक और ट्राई इसको हम देते हैं। अच्छा, ये पकड़ लिया इसने, कह रहा यार आसान क्यों दे रहे हो मुझे, कुछ मुश्किल दो काम, एटीट्यूड से चल रहा है आजकल ये। अच्छा, तो ये इसने जवाब मुझे दे दिया। अच्छा, अब पिज्जा ऑर्डर ऐसे तो नहीं होता, पिज्जा ऑर्डर में तो मुझसे पूछेगा भी ना कि यार कौन सा चाहिए, कौन सा फ्लेवर, कौन सा साइज, कौन सा कितना चाहिए। तो मैं इसमें अब यहाँ पे ऐड करता हूँ आके कि जी अगर बंदा बोलेगा ना कि दो पिज्जा चाहिए, तो कैसे बोलेगा वो कि आई वॉन्ट टू पिज्जा। अच्छा, अब ये देखें टू इसने ऑटोमेटिक समझ लिया कि ये क्या है, एक नंबर बंदा बीच में बोलेगा। अब मैंने इसको ट्रेनिंग फ्रेज में क्या बताया कि जी बंदा ये बात बोलेगा, बीच में एक नंबर भी बोलेगा। अच्छा, उस नंबर का जो नाम है ना मैंने यहाँ रखा, तो उसका मैंने यहाँ पे नाम रखा कि क्यू टी बाय, सही है, कि जी क्वांटिटी बता रहा है असल में। और अब यहाँ पे देखेंगे इसको पता चल जाएगा कि ये कितना है। हेयर इज योर नहीं, वो मैंने नाम उसका ही रखा है ना क्यूटी बाय, आप भी मैं वो और भी पूछता हूँ उससे कितने पिज्जा चाहिए, पहला तो ये सवाल है, दूसरा भाई फ्लेवर कौन सा चाहिए, तीसरा चाहिए या साइज कौन सा चाहिए, एटलीस्ट ये तीन सवाल होते हैं, इससे कम में तो नहीं होता। हाँ, डील भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमारे पास 15 मिनट है सर, ठीक है। अच्छा, अगर बंदा जो है ना, हाँ टाइम तो पूरा हो गया यार। अच्छा, अगर बंदा ये नहीं बोलता कि यार मुझे दो पिज्जा चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसको जो है ना, यार यहाँ पे एक और गड़बड़ हो रही है, बीच में एक पार्ट पूरा गायब है इस जगह पे ना, इसको यहाँ पे यहाँ पे एक लिस्ट आनी चाहिए पैरामीटर्स की, तो वेल इसको मैं सेव करा के थोड़ा पेज रिफ्रेश करता हूँ, आज कुछ गड़बड़ चल रही है इसमें, खास किस्म की गड़बड़ आज, ये पूरा जो है सेलेक्ट किया हुआ ना, इस जगह पे एक सेक्शन आता है जहाँ पे एंटिटीज की लिस्ट होती है, अब ये वो आई नहीं इसके अंदर, रिफ्रेश करके देखते हैं। अच्छा, ये अब आ गई, अच्छा कोई मसला नहीं है, अभी तो है हमारे पास 10-15 मिनट, तो ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, तो अब देखें ये लिस्ट आ गई एंटिटी की, अब इसको मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड है, ये लाजमी पूछना है बंदे से, और मैं जाके बोलूंगा डिफाइन अ प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि यार प्लीज टेल मी हाउ मैनी पिज्जा वुड यू लाइक टू हैव,
ठीक है, इसके मैं दो तीन वेरिएशन बना सकता हूँ या सिर्फ मैं हाउ मैंने यहाँ लिख देता हूँ, दो तीन वेरिएशन के तरह अलग अलग अंदाज में पूछे, तो मैंने दो वेरिएशन बना दिए और इसको मैंने कर दिया सेव। अब जब मैं इससे पूछूंगा, बोलूंगा ना कि गिव मी पिज्जा, तो अभी मुझसे पूछेगा कि यार कितने हैं पिज्जा भाई। अच्छा हो गया, ट्रेनिंग हो गई इसकी। अच्छा मैंने कहा इसको गिव मी पिज्जा, हर दफा मुझे अंदर जाके ट्रेन करना पड़ रहा है। आज कोई इसमें सख्त किस्म की जो है ना गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म असल में है तो अच्छा, ये ऑटोमेटिक डिसेबल है। ओ ये मेरे ख्याल नए वाले एजेंट में अभी उन्होंने कोई सर आपके कंप्यूटर को पता चल गया आप जल्दी। हाँ ये हुआ मसला, कंप्यूटर को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप जल्दी में, वरना वो स्लो हो जाता है। ऑटोमेटिक ट्रेनिंग जो है ना वो अंदर से बाय डिफॉल्ट नए एजेंट में इन्होंने अब डिसेबल कर दिया। अच्छा अब इसको मैं बोलूंगा कि जी गिव पिज्जा, किसी भी अंदाज में कह सकता है ना बंदा। अच्छा अब देखें, इसने मुझे कहा कि यार प्लीज टेल मी हाउ मेनी पिज्जा वुड यू लाइक टू हैव। अच्छा अब मैं इसको लिखूंगा गिव मी टू, और इसको समझना चाहिए ठीक है, हेयर इज योर टू पिज्जा। इसको ये पता चल गया कि भाई आपने क्वांटिटी में क्या बताया है, टू बताया है। अच्छा अभी इसको जब ये पूरी रिक्वेस्ट होगी तो जाहिर है मेरी रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाएगी ना ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा जी। हाँ थ्री भी लिखूंगा तो आ जाएगा, मैं इसको रीसेट करके ना दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि पीछे का भूल जाइए। इसको मैं बोलूंगा कि यार गिव मी 17 पिज्जा, तो ये पकड़ेगा नंबर कोई भी बोलूंगा ना पकड़ेगा वो ठीक है। अभी क्वांटिटी में इसने देखें वैल्यू में 17 पकड़ में आया इसको, और इसने जवाब में कहा कि यार हेयर इज योर 17 पिज्जा। अच्छा अब अगला सवाल कि जी क्या साइज है, तो उस साइज के लिए आगे मुझे पहले एंटिटियां बनानी पड़ेगी। क्रिएट एंटिटी किया मैंने और मैंने कहा कि जी साइज, और साइज में आके मैंने कहा कि जी स्मॉल, स्मॉल की क्या क्या वेरिएशन हो सकती है। और क्या बोलते हैं स्मॉल के, क्या स्मॉल को स्मॉल पिज्जा को और क्या बोल सकते हैं, लाइट या वन सिंगल सर्विंग मिनी पिज्जा, सिंगल सर्विंग कह दिया मैंने, चीप कह दिया मैंने। अब मीडियम पे आ जाते हैं, मीडियम को मैं कह सकता हूँ कि जी रेगुलर ठीक है, नॉर्मल, लार्ज मैंने कह दिया जी, बिग कह दिया इसको मैंने, हाँ और एक्सेल कह दिया जी मैंने, बस पार्टी कह दिया। सही है, सही। अब मुझे बताया कि जी ये बात बंदा कह सकता है। अब मैं इधर जाऊंगा इंटेंट में, वापस ऑर्डर पिज्जा में जाऊंगा मैं, और मैं ये बोलूंगा कि बंदा जब साइज भी बताएगा साथ में तो क्या बोलेगा बंदा, कि आई वांट लार्ज पिज्जा। अच्छा और इसको ये लार्ज पिज्जा ऑटोमेटिक पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन इसने पकड़ा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से साइज यहाँ से बता देता हूँ ठीक है। तो लार्ज को इसने ये समझ लिया कि अच्छा यार इस जगह पे ना यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, साइज मिलेगा। साइज मैंने बताया कि तीन पॉसिबल साइज है, उसके सारे सिनोनियम भी बता दिए। अच्छा इसके मैं मजीद ट्रेनिंग फ्रेजेस भी दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक ही ट्रेनिंग फ्रेज दे रहा हूँ। आप देखें एक ट्रेनिंग फ्रेज भी ना इसको समझ आ जाती है बाद में। यहाँ पे आके मैंने बोला कि जी अब ट्रेनिंग हो गई इसकी, गिव मी पिज्जा अगेन ठीक है, टेल मी हाउ मेनी पिज्जा वुड यू लाइक टू हैव, give me 6 maybe, और अरे यार इसकी ट्रेनिंग मुझे हर दफा अंदर से करनी पड़ती है। खैर कर लेते हैं अभी जो बंद है, इसे साइज में रिक्वायर भी डालो। हाँ रिक्वायर्ड भी मैं लगाना पड़ेगा, सही कहा। रिक्वायर्ड भी लगाना भूल गया, और इसका प्रॉम्प्ट भी तो डिफाइन करना है कि अगर ये साइज ना बताए बंदा तो कौन सा बोले भी, प्लीज टेल मी
What size? ठीक है, what size? We have small. अच्छा मैंने साथ में ये suggest भी कर दिया कि भाई तीन sizes हैं हमारे पास, उसको बता दिया मैंने, ताकि अगर कोई बंदा ना बार बार साइज कह रहा नहीं पकड़ पा रहा तो उसको पता चल जाएगा अच्छा तीन ही साइज है। अच्छा ट्रेनिंग खुद से इनिशिएट हुई नहीं हुई, ये वैसे जैसे ही सेव बटन दबाओ ना तो ये खुद से इनिशिएट हो जाती है ट्रेनिंग। आज जो है ना ये थोड़ी नहीं कर रहा, इसकी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वीडियो लगा दूंगा। कंप्लीट हो गया गेम में पिज़्ज़ा, हाउ मैनी, मैंने कहा जी सिक्स, सिर्फ सिक्स लिखूंगा तो भी इसको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट साइज, मैंने कहा कि अच्छा इसको कोई ऐसा साइज देते हैं जो लिस्ट में ना हो, मिसाल के तौर पर हेलो साइज, हेलो तो कोई साइज नहीं होगा। अच्छा अच्छा वो हेलो में वो शुरू से हो गया दोबारा, क्योंकि हेलो शुरू में था ना हाई हेलो लिखा हुआ था। अच्छा तो दोबारा इसको करते हैं, गिव मी पिज़्ज़ा ज़रा शुरू से, सिक्स पिज़्ज़ा और व्हाट साइज, ए बी सी साइज, ये तो किसी और फ्रेज में नहीं है ना। अच्छा ये दोबारा देखिए पूछ रहा है, ये जब तक मैं उसको बताऊंगा नहीं ये पूछता रहेगा व्हाट साइज। मैंने कहा भाई ए बी सी साइज, प्लीज टेल मी व्हाट साइज, मैंने कहा यार ए बी सी साइज दे दो मुझे बस। तो अब ये मुझे ना वो वाला अल्टीमेटली वो वेरिएशन आ गया जिसमें मैंने लिखा है कि स्मॉल लार्ज एंड मीडियम है हमारे पास, तो मैंने कहा कि अच्छा जी स्मॉल। अच्छा हियर इज योर सिक्स पिज़्ज़ा, ये पकड़ में आ गया इसको, पहली दफा में नहीं आया लेकिन दूसरी दफा में मैंने बोला तो स्मॉल उसको समझ आ गया, तो ये स्मॉल और साइज ही पकड़ में आ गया। अच्छा जिस तरह मैंने साइज डिफाइन किया इसी तरह मैं फ्लेवर भी डिफाइन कर सकता हूँ और अल्टीमेटली मेरे पास ये पिज़्ज़ा बन के आ गया। ठीक है, इसका जरा ये नीचे वाला रिस्पॉन्स मैंने जो ना सिक्स के साथ जो है वो साइज भी लगा देते हैं। और अच्छा अब देखिए यहाँ पे माइक भी बना हुआ है, बोल के भी बात कर सकता हूँ मैं, इसकी मैं इंटीग्रेशन में जाऊँगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे उन्होंने वन क्लिक इंटीग्रेशन लगाई हुई है कि जी आप ना वेब के ऊपर अगर आपने लगाना है तो ये वेब डेमो है, एक मैसेंजर की स्क्रीन है इसकी, वो आप लगा सकते हैं। अब ये भी मैंने लगा के दिखाना था लेकिन टाइम हमारे पास ज़रा ओवर हो गया, तो मैं सबसे ज़्यादा जो इसके मज़े की चीज़ है वो है फोन गेटवे। अच्छा वन क्लिक पे जस्ट मैंने एरिया कोड बताया 415 मिसाल के तौर पर, 413 चल रहा है और मैंने किया नेक्स्ट। अब ये मुझे एक फोन नंबर दे देगा, नो फोन नंबर अवेलेबल टू फुलफिल द रिक्वेस्ट, क्यों? सम टाइम क्या होता है उस एरिया का ना वो नहीं होता, ये पूछता है एरिया कोड बताएं, 512 नहीं है, एरिया कोड पूछता है बताएं और उस एरिया कोड का ना एक नंबर लाके दे देता है। इसने सोच लिया भाई आज नहीं चल रहा है। अच्छा चलो वेब वाला डेमो चला के देखते हैं, वेब डेमो चला के देखते हैं। अच्छा व्हाट्सएप पे भी इंटीग्रेट हो जाता है, वन क्लिक वाला नहीं है व्हाट्सएप पे फिलहाल। अच्छा ये आ गया जी, मैं स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया बल्कि यहाँ पे ट्राई ना आ रहा है, ट्राई ना हो रहा है, ये देखो यहाँ पे उन्होंने डेमो बना के दिया। और ये इस तरह से किसी भी छोटी सी वेबसाइट में आप बहुत आराम से ये लगा सकते हैं, बल्कि एक छोटी सी वेबसाइट जल्दी से हम बना भी लेते हैं। लगे आता हूँ ये, मैं आ जाता हूँ जी डेस्कटॉप पे अपने, और एम के डी आई आर से मैंने एक फोल्डर बना लिया डेमो, और सी डी डेमो में चला गया वो डिस्प्लेस डॉट। ठीक है, मैंने सिंपली एक फोल्डर बना के ना उसको वी एस कोड में ओपन किया, दैट्स इट। ठीक है, ये वी एस कोड में मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे आके मैंने क्या किया एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके मैंने बेसिक कोड लिखा, यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दी कि ठीक है। अब इस तरह की एक बेसिक सी वेबसाइट होगी, इस पर एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया यहाँ से लाके, ठीक है एक पैराग्राफ भी है इसमें, एक इमेजिनरी हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जो एक पिज़्ज़ा की वेबसाइट है।
और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में। जैसे ही मैं ब्राउजर में इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। अभी इस ब्राउजर में मैंने क्या लगाना है, ये जो कोड इन्होंने दिया ना एम्बेडेड, ये कॉपी करके ना मैंने इसके बॉडी के लास्ट में लगा देना है। और जैसे ही मैं ये लगाऊंगा और आके अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो इसमें ये लगा हुआ गया। ठीक है, अब मैं इससे बोलूंगा जी हेलो, तो इसको मुझे जवाब देना चाहिए असूलन, अब पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो गई इसमें। अच्छा ये वही मसला आ रहा है, एक्सेस ओरिजिन का आ रहा है, इसको जरा लाइव वाले पे चला के देखते हैं। गो लाइव वाले, सही वो असल में डायरेक्ट फाइल से चल रहा था ना इसलिए गड़बड़ था। हाय और हाय लिख के मैंने कहा जब इसको, अब आ गया। ठीक है जी, गिव मी पिज्जा, टेल मी हाउ मेनी पिज्जा वुड यू लाइक टू हैव, गिव मी 4, व्हाट साइज, स्मॉल। ठीक है, हियर इज योर 4 स्मॉल पिज्जा। ये आपका एक छोटा सा एक बेसिक हेलो वर्ल्ड, ये वो चीज है जो 15 मिनट में मैंने आपको सिखा दी। ये कोर्स 6 महीने का है भाई, इस कोर्स में हमने इस तरह की बहुत सारी चीजें सीखनी है जो जाहिर है इस छोटी सी वर्कशॉप में हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। अच्छा, अब ये वो तो हो नहीं पाया वो वाला फोन वाला, वरना वो बड़े मजे का होता है कि आप क्या करते हैं, ये नंबर आपको एक दे देता है, आप उस पर कॉल मिलाते हैं उस नंबर पे, और यही बात जो ये यहाँ पे कर रहा है ना, यही बात बोल के होती है। हाँ नहीं, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा ये जो बात है ना, ये 15 मिनट में जो सिखा सकता था मैं उन्हें सिखा दिया। अच्छा, अब यही काम सारा ये चैट जीपीटी से होता है और इससे बहुत बेहतर अंदाज में होता है। अब अभी डायलॉग फ्लो की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इस पे हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो अभी डिस्कस करना था लेकिन अभी टाइम खत्म हो चुका है। फिर कौन सा ऐसा काम है जो डायलॉग फ्लो से नहीं हो सकता लेकिन वो चैट जीपीटी से हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं जल्दी से ना एक एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल जो मैं खोलूंगा जी ओपन एआई प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड में आ गया मैं, ये ओपन एआई का प्लेग्राउंड है। अब मैंने एक चैट बॉट बनाना है, एफएक्यू का चैट बॉट। तो आपको अब ये तो बात अंदाजा हो गई है कि एक जैसे ऑर्डर पिज्जा के लिए एक पूरा इंटेंट बना है, उसमें पूरे ट्रेनिंग फ्रेजेस मुझे देने पड़े हैं, उसका मुझे जवाब बकायदा लिखना पड़ा है। तो अब इसी तरीके से अगर मुझे एक एफएक्यू चैटबॉट बनाना है तो अब एक वेबसाइट पे जो डेटा मौजूद है, टाइमिंग है, प्लेस है, क्या ऑर्डर होता है क्या नहीं होता, वो सब उसको सबको इंटेंट मुझे बनाने पड़ेंगे ना, तो इसमें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। जो लोग यहाँ मुतवज्जे हैं उनको समझ आ रही है बात कि एफएक्यू में अगर 100 क्वेश्चन वाला मुझे चैटबॉट बनाना है तो 100 इंटेंट बनेंगे उसके लिए। अच्छा, लेकिन चैट जीपीटी से ना ये काम 2-4 लाइनों में हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इनका जो मॉडल कौन सा सेलेक्ट हुआ भाई, ये सही 3 सेलेक्ट हुआ, ठीक है 4 तो इसमें है नहीं। अच्छा, ये मैं जो गाड़ में ना एक क्लाइंट का अकाउंट खोलता हूँ क्योंकि मेरे पास तो वो ख़त्म हो गया तो इसका, ये ना मुझे बता रहा है कि रीच योर यूजेज लिमिट। तो अच्छी बात ये है फ्रीलांसिंग करने की कि अकाउंट कहीं ना कहीं से आ जाता है। हाँ नहीं, पेड करने की जरूरत पड़ेगी तो कर दूंगा मैं, फिलहाल तो नहीं पड़ी। ठीक है, ये AI टू ट्रैवल करके एक है दोस्त, इनके लिए मैं एक चैट बॉट बना रहा हूँ अभी, तो उनको मैं जरा शाउट आउट, जो भी देख रहा है यहाँ पे, तो आपको अगर AI टू ट्रैवल विजिट करें आप जाके देखें क्या होता है वहाँ पे। अच्छा, तो ये मैंने ना इनका ओपन कर लिया प्रोफाइल जस्ट दिखाने के लिए, इतना तो कर ही सकता है यार बंदा, 2-4 टोकन आपके लिए खर्च कर सकता हूँ मैं किसी बंदे के। अच्छा, अब इसको मैं बोलूंगा ना तो ये, अच्छा आप नोट करें ये वो वाला इंटरफेस नहीं है जो पब्लिक यूज कर रही है, ये प्लेग्राउंड है, इसमें सारी फाइन ट्यूनिंग अवेलेबल है जो उसमें नहीं अवेलेबल होती। इसमें देखिए आप टेम्परेचर, मैक्सिमम लेंथ, ये स्टॉप सीक्वेंस, स्टार्ट सीक्वेंस, सही है, ये सब कुछ मैं सेट कर सकता हूँ, ये उसमें नहीं होता अवेलेबल क्योंकि ये आम बंदों के समझने की चीज़ है नहीं, उनको ये देखिए कोई फायदा नहीं है, ये डेवलपर्स के लिए, और इसमें इतना कंट्रोल मौजूद है आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ क्या वाला, दुनिया की किसी भी वेबसाइट का नाम बताओ उसका 100 क्वेश्चन का अभी एफएक्यू बनाते हैं 5 मिनट के अंदर। Amazon नहीं, कोई ऐसा बताओ वो लैंडिंग पेज वाला, Amazon का लैंडिंग पेज है जी सर। Amazon shops नहीं, Amazon.com है
amazon.com नहीं मतलब इसमें तो वो लिखा भी नहीं है ना, इनका FAQ का डॉक्यूमेंट नहीं है इसके अंदर। FAQ का डॉक्यूमेंट का पता है किसी को लिंक? कोई यूनिवर्सिटी का बोल दे। हां यूनिवर्सिटी का कौन सी बताओ? इंडस कराची। अच्छा देखते हैं इनके लैंडिंग पेज पे क्या-क्या डेटा है। अच्छा मगर अच्छा आ गया ना, Amazon भी करते हैं, Amazon का विकिपीडिया का पेज उस पे तो होगा ना सारा डिटेल वो क्या करती है क्या नहीं करती। उन्होंने खुद नहीं बनाया लेकिन विकिपीडिया तो है। अच्छा ये अमेज़न का ना, मैंने ये सारा डेटा उठा लिया यहाँ से, कंट्रोल ए किया, कॉपी किया मैंने। अच्छा ये कंट्रोल ए शायद मैं इसमें ना कर पाऊँ क्योंकि ये 3 वाला है ना, इसमें लिमिट है 4000 कैरेक्टर की, तो वो 4000 से ज़्यादा जब जाएगा ना। अच्छा मैंने ये ट्रिपल बैकटिक स्टार्ट किया और ट्रिपल बैकटिक मैंने यहाँ पे बंद किया और पूरा पेस्ट कर दिया मैंने ये। मतलब ताकि पता चले ना इतना मैंने इसको डेटा दिया है। अब आप जो दोस्त कह रहे थे ना कि सर इंटरनेट पर तो सारा डेटा ऑलमोस्ट फेक है, अब ये देखें मैंने इसको डेटा अपना दिया है। मैं कहूँगा भाई इससे देखना है आपने, इंटरनेट से नहीं आपने जवाब लाना, इस डेटा में से देख के बताओ। और मैंने कहा कि जी अबव इज द विकिपीडिया पेज ऑफ अमेज़न कंपनी pretend you are क्या कहते हैं उसको जो काउंटर पे बंदा होता है, फ्रंट डेस्क, ठीक है Amazon your front desk guy on at Amazon and answer user question, ठीक है इन वन लाइन या टू लाइन भी मैं कह सकता हूँ लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा यूजर क्वेश्चन, और ये मैं यूजर क्वेश्चन ऐसे करके ना यहाँ पे मैं कोई भी बात लिखूंगा। अच्छा देखो अभी इतना ना टेम्पलेट होगा पूरा जो मेरे पास फिक्स होगा प्रोग्रामिंग लेवल पे, मेरे पास ये फिक्स होगा, हर क्वेश्चन को मैं इसी तरह भेजूंगा चैट जीपीटी में। अब ये अच्छा इसको असूलन तो होना चाहिए एम्बेडेड एम्बेडिंग के जरिए। कुबैन भाई यहाँ पे बैठे हैं, रात को मेरी इनसे बात हुई थी बल्कि कल परसों, तो ये होना तो चाहिए एम्बेडेड से, जो चैट जीपीटी कह लो या उसको कंप्लीशन मॉडल का एक फीचर है। लेकिन फिलहाल अभी फॉरन करने के लिए इस तरह करना है, एम्बेडिंग से करने से ये होता है टोकन थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं, थोड़ा मतलब पैसे बच जाते हैं उससे थोड़े से। अच्छा यहाँ पे यूजर क्वेश्चन में मैं आगे पूछता हूँ, सबसे पहला सवाल इससे जो भी यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है ना उससे मुताल्लिक ही पूछ लेता हूँ कि भाई व्हाट इज द ISIN नंबर ऑफ Amazon, क्या ख्याल है ये पूछ लिया जाए, या व्हाट इज द ट्रेडमार्क, या व्हाट इज द ट्रेड नेम, तो ये बताएगा। ये सारा डेटा यहाँ लिखा हुआ है ना ये सब उसको पता चलेगा। अच्छा मैंने ये फॉर्मेट करके नहीं दिया, आप जिन लोगों का मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उसमें तो भाई बंदा डेटा को क्लीनिंग करने में ही आधा हो जाता है, एक स्क्रैपिंग के लिए अलग बच्चा बैठाया हुआ होता है, फिर क्लीनिंग के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है, वो क्लीनिंग कर करके वो आधा हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अभी, तो 6 महीने हो गए अभी तक डेटा की क्लीनिंग चल रही है, किसी से कहीं से खरीदा है उन्होंने डेटा, अब वो खरीदा हुआ डेटा ऑलमोस्ट क्लीन होता है, अब उसकी क्लीनिंग हो रही है, उसको जो एक स्कीमा में डाला जा रहा है 6 महीने हो गए हैं वही हो रहा है, डेली 8 घंटे लगाते हैं उसके ऊपर वो, अब पता नहीं ट्रेनिंग वगैरह कब शुरू होगी और क्या होगा। वो बड़ी कंपनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा या मैं उससे ये पूछूं कि भाई व्हेन Amazon वाज फाउंडेड, तो वो यहां से देख के बताएगा, ठीक है हु फाउंडेड Amazon, तो जेफ बेजोस की बताएगा, आते हैं कोई भी। अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए शुरू का, अगर मैं ये पकड़ दूं ना इतना इतनी लाइन जो कि 4000 कैरेक्टर की लिमिट के अंदर हो, सही है क्योंकि वो मना कर देगा मुझे ऑब्वियसली अगर मैं उससे ज्यादा दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको, मैंने ना ये इतना इसको टेक्स्ट दे दिया थोड़ा जितना वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा जो चैट जीपीटी का जो 4 है उसमें लिमिटेड 32000 कैरेक्टर, तो 32000 कैरेक्टर तक उसमें हम दे सकते हैं। अच्छा अब ये जो यूजर का क्वेश्चन है ना इसका मुझे ये जवाब देगा जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा, ठीक है। अच्छा मैंने वो तो लिखा ही नहीं सवाल इसने खुद ही लिख दिया। अच्छा तो मैं सवाल लिखता हूँ कि हु इज द फाउंडर, क्योंकि ऑटो कंप्लीट है ना तो उसने सवाल भी खुद ही लिख दिया। अच्छा हु इज द फाउंडर ऑफ Amazon और आंसर करके मैंने ये लिखा, अब ये इसको क्या कह रहा है, वार्निंग योर टैक्स एंडेड इज प्रेयर। अच्छा ये देखो इसने जवाब दे दिया,
अच्छा बताओ कोई और क्वेश्चन जो उतने में था. व्हाट इज द ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क ऑफ एमेजोन इज amazon.com/inc. क्या उसको क्या नाम होता है नजदाक जो होता है उसको कौन सा ट्रेडमार्क बोलते हैं? ट्रेडेड एज वर्ल्ड नहीं इसका वैसे कुछ नाम होता है इस ट्रेडमार्क का. स्टॉक मार्केट में आपका ट्रेडमार्क क्या है ना? इन स्टॉक मार्केट स्टॉक नेम होता है. चलो ये पहले ये तो लगा लेते हैं. नजदाक पकड़ लिया इसने. ठीक है देखो कैसा डिटेल जवाब दिया इसने. अच्छा अब आप सोचें आप इमेजिन करें अब आ जाओ कोई और रैंडम वेबसाइट खोलते हैं जैसे मिसाल के तौर पे सैलानी का बनाया है. हाँ सैलानी का जो है सैलानी वेलफेयर की वेबसाइट खोलते हैं. आ जाओ. अच्छा बल्कि सैलानी का भी तो विकिपीडिया का तो पेज है ही. अच्छा अब इसमें जितना भी डेटा मौजूद है ना ये जो डेटा टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सबको कंट्रोल ए किया मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लाके ना मैंने जो अभी जहाँ पे मैंने अमेजोन का रखा था वहाँ पे मैंने ये वाला पेस्ट सारा. ठीक है यहाँ पे क्या फ़ोन नंबर वगैरह है नीचे जो होगा इसमें डेटा वही जवाब देगा. हाँ ये फ़ोन नंबर है ना. अब इससे मैं पूछता हूँ कि यार बताओ मुझे फ़ोन नंबर क्या है. अच्छा अबव इज द विकिपीडिया पेज ऑफ सैलानी वेलफेयर. ठीक है प्रिटेंड यू आर फ्रंट डेस्क एट सर विकिपीडिया आईडी है सैलानी. हां वेब पेज ऑफ सैलानी वेलफेयर. अच्छा प्रिटेंड यू आर फ्रंट डेस्क एट सैलानी आंसर यूजर क्वेश्चन. और यूजर क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं कि यहां पे आके जी के व्हाट इज योर फोन नंबर. ठीक है अब देखते हैं ये फोन नंबर कौन सा लाता है. एक यूएन भी है और एक नॉर्मल वाला भी है. ये लाया 83009 है लास्ट में. देखते हैं जरा कि यही है उधर या कुछ और. सही ऊपर लिखा हुआ है. हां ये सही है यार सही लाया बिल्कुल. ठीक है अच्छा एड्रेस भी इससे पूछेंगे ना तो एड्रेस भी बता दे भाई. अच्छा टैक्स आईडी भी है यहां पर. अच्छा तो अब अलगर्स जो कुछ इस वेबसाइट पे. अच्छा ये जरूरी नहीं है मैं तो अभी डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं ना अभी. अब देखें मैं इससे अब मोर इंटेलिजेंटली सवाल पूछना शुरू करता हूँ. मैं कहूँगा यार हाय और हाय से बात शुरू होती है. अब देखें ये कैसे मुझसे बात करेगा. सर उसको पता है कि डोनेशन करनी है. हाय बोलते ही इसने डोनेशन की बात कर दी. बात सुना ना ये मतलब वेलफेयर जा रहा है ना तो सबसे पहले जो फ्रंट डेस्क पे बंदा आता है यही बात होती है. अच्छा ये मैं चीजें सारी लिमिट कर सकता हूँ. इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. क्योंकि क्या बोले मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यार आपने शुरू में ना पहला जो सवाल करेगा उसमें ग्रेडिंग करनी है आपने. ठीक है तो ग्रेड यूजर फर्स्ट डोंट आस्क फॉर डोनेशन अंटिल फोर कन्वर्सेशन स्टेप्स. ये मैं इसमें लगा सकता हूँ. इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ये पूरी एक फील्ड इमर जो कि आई है सामने अभी और इसके कुछ एक दो कोर्सेज भी आ गए लेकिन वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का करेंगे क्या कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. चैट के लिए ये चैट बॉट जो मैं बना रहा हूँ इसमें इस्तेमाल होगा ये वाला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. अच्छा वैसे चैट जीपीटी को चलाने का तरीका है असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. लेकिन वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के बाद क्या करेगा बंदा इमेज जनरेशन कर रहा होगा या तो इमेज बना रहा होगा इमेजेस या तो चैट जीपीटी से अच्छी सी ईमेल लिखवाना आ जाएगी उसको. लेकिन वो ईमेल लिखवा के ना पैसे नहीं कमा सकते. कोडिंग में भी तो हेल्प कर सकता है. कोडिंग में तो हेल्प करेगा लेकिन कोडिंग फिर आप कुछ और कुछ कर रहे होगे ना कोई कोडिंग कर रहे होगे आप. अच्छा तो ये वाला जो यूज केस है ना इसका आप देखिए कितना पावरफुल है ये. अब ये मैं किसी बंदे को लगा के दे दूं ना. अच्छा अगर मैं इसके चार्ज करूं $100 तो क्या ख्याल है आपको कि सैलानी जैसा इदारा कोई $100 नहीं देगा मुझे इस चैटबॉट के. भाई $10,000 तक देगा सैलानी जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है. सैलानी के तो खैर बाहर तो अच्छा तो भाई टाइम नहीं है किसी के पास. हम
काम इतना है ना मार्केट में, किसी भी मैं न्यूयॉर्क में गूगल मैप खोलूंगा यहाँ पे अभी राइट नाउ आपके सामने, अभी टाइम नहीं है वरना ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी आपके सामने मैं खोलता न्यूयॉर्क में किसी में पिज्जा विज्जा की शॉप को फोन मारता है यहाँ से, गूगल मैप में तो नंबर लिखा होता है, उसको मैं बोलूंगा कि यार ये मैं आपको ना आपका मैंने चैटबॉट बना दिया, मैंने कहा ये लो लिंक चला के देखो इसको और अगर अच्छा लगे तो $500 और शाम तक आप आराम से जवाब दो, कोई मसला नहीं है, शाम तक ये चैटबॉट आप है फिर मैं डाउन कर दूंगा इसको, अगर आपको अच्छा लगे आपकी वेबसाइट पर लगा दूंगा $500, तो मैं देखता हूँ कैसे मना करता हूँ। ये फ्रीलांसिंग वगैरह ये तो बहुत आगे की बात है, या कहीं जॉब पकड़ेंगे आप जाके, जॉब पकड़ना भी बहुत आगे की बात है, मैं देखता हूँ आपको कोई फिजिकल बंदा कैसे मना करता है अपनी दुकान के लिए, वो निगोशिएट करेगा, वो कहेगा यार भाई मैं गरीब आदमी हूँ 100 महीने बोलेगा गोरा भी भाई पैसे मैं उसके लिए भी पैसे भाई इम्पोर्टेंट। अच्छा तो अच्छा अब मैं दोबारा इसको बोलता हूँ कि भाई हाय अब देखिए इसने कैसे हाउ मे आई हेल्प यू। अच्छा क्वेश्चन अब मैंने मजीद लिखा व्हाट यू डू, यही बंदे पूछते सवाल यार आप क्या करते हैं कैसे होता है आपके यहाँ। वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू हेल्प दोज वी प्रोवाइड रेंज, अभी पूरी इसने बात कर दी हेल्थ एजुकेशन वो सारा लिखा हुआ है ना वेबसाइट पे, वो साहब वहां से लाके बता रहे हैं और देखिए खुद से जुमले कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये वाली जो बात है ना, ये जो मैंने आपको चीज बताई है ये पूरी दुनिया में ना सिर्फ मुझे ही आती है, सिर्फ मुझे आती है लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा या क्योंकि कोई इंटरनेट पे ये बात ये वाली नहीं देखेंगे आप, अभी आप जाके ना घर पे जाके आप गूगल करें, आपको ये वाली बात अगर किसी ने बता दी तो फिर आप मुझसे कहिएगा, मुझे तो नहीं दिखा, अगर दिखे आपको तो मुझे बताइएगा, कम होगा या तो नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है इंटरनेट पे ये वाली बात कोई भी नहीं कर रहा है कि यार जी अब आप चैटबॉट बना लें आप पूरी वेबसाइट का, इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे। हाँ नहीं वो जो वही है, यही तो बात है कि हो सकता है कि लोगों को पता हो मेरे अलावा भी, लेकिन वो उनके पास काम इतना है कि काम करने से फुर्सत नहीं है। अभी मैं मोबाइल निकालूंगा ना, मेरा मोबाइल वहां पर है, अभी सुबह के वक्त मैंने मोबाइल चेक नहीं किया, सुबह से उठ के मैं सीधा यहाँ आ गया हूँ, तो कोई ना कोई आई भी होगी इन्विटेशन अपवर्क के ऊपर कि जी आज की डेट में लाजमी एक आ चुकी होगी अभी तक। तो जी सवाल ये तो प्रोडक्ट होगी ना, ये जो दोस्त बता रहे हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट इससे बनाई जा सकती है कि एक फ्रीलांसर ना जो कन्वर्सेशन कर रहा है उसमें हेल्प करे वो उसको, तो ये एक प्रोडक्ट होगा। मैंने जो एक चैटबॉट बनाया ये एक अलग प्रोडक्ट है, जो आप बता रहे हैं वो भी एक प्रोडक्ट हो सकता है और इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं जो, क्योंकि मैदान बिल्कुल खाली है, आप देखे ना ये रियल है यार, ये कोई मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ये रियल है आपके सामने मैंने चला के आपको दिखा दिया, अभी मैं जितने कन्वर्सेशन करता जाऊंगा ना यहाँ से ये मुझे जवाब देता जाएगा, ठीक है। इससे मैं कोई उल्टी बात करूंगा ना तो वो भी ये हैंडल करेगा, मैं प्रॉम्प्ट में लिखूंगा कि भाई अगर कोई उल्टी बात करे आपने पोलाइटली उसको हैंडल करना है, वो हैंडल करेगा पोलाइटली। कोई अगर वो फंकी बात करेगा वो फनी बोलेगा, कोई बोलेगा लतीफा सुनाओ तो वो बोलेगा कि सर यहाँ पे लोग मर रहे हैं आपको लतीफे की पड़ी है, ये बोलेगा वो, मैं उसको सेट कर दूंगा, प्रॉम्प्ट बनाऊंगा। अच्छा प्रॉम्प्ट अभी तो मैंने 2 लाइन का लिखा है ना, ये प्रॉम्प्ट अल्टीमेटली 2-3 हजार कैरेक्टर्स का होता है, यानी तकरीबन एक पूरा पेज हम लिखते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है। अच्छा एक और भी बात है जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, बल्कि शायद सिर्फ एक बंदे को मैंने ये बात करते हुए सुना है, ये जो है ना ये ना सिर्फ एक चैटबॉट बनाने का पूरा फ्रेमवर्क है, ना सिर्फ एआई का पूरा फ्रेमवर्क भी, कंप्लीट फ्रेमवर्क है, आप क्लासिफिकेशन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम इसमें हो जाती है, लेकिन अभी टाइम नहीं है उसका, अभी हम इंशाल्लाह क्लास में वो डिस्कस करेंगे। ये 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम बचपन से ये, जब बचपन का मतलब है जब कंप्यूटर साइंस में कदम रखा पहला तो कॉलेज में हम कहते थे यार 3rd जनरेशन ये है जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये 3rd जनरेशन है, एक 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली है, कुछ लोग मैटलैब को 4th जनरेशन कहते थे। तो 4th जनरेशन में ना बिल्कुल ह्यूमन लाइक होगा कि जैसे ह्यूमन से आप बात करते हैं वैसे आप कोड लिखेंगे, आप सब लोग गूगल कीजिएगा जाके। तो इस पर एक डिबेट भी है कि जी नहीं ये 4th जनरेशन में तो लाइब्रेरीज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा इसकी लाइब्रेरीज कैसी होंगी, जाहिर है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4th जनरेशन है तो लाइब्रेरी 3rd जनरेशन जैसी नहीं होगी कि जी उसको आप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इसी तरह से ही होगी लाइब्रेरी,
वो भी कन्वर्जेशन में होगी। तो इसकी लाइब्रेरी अभी लोगों को पता नहीं है कि कैसी होगी, अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा जब लोग एक्सटेंशन बना बना के इसकी इसी में लगाएंगे ना कि जी अच्छा ये प्रॉम्प्ट पहले से बना हुआ है आप ले लें। तो इसकी जो लाइब्रेरी होगी वो क्या होगा, पहले से लिखा हुआ प्रॉम्प्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरी क्या होती है, पहले से लिखे हुए फंक्शन आप पढ़े होते हैं आप उसको यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, पहले से लिखे हुए प्रॉम्प्ट आप उसको यूज करेंगे हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं।